हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो देखेंगे यार, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप इजीली उसको कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी क्या करा है, एक MD फाइल क्रिएट की है वर्चुअल इन्वायरमेंट की। इसके अंदर मैंने सारी कमांड्स ऐड कर दी हैं जो जो मुझे लगता है कि आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक को डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना कोड एडिटर खोल लेना, उसमें जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और टर्मिनल की सेटिंग अगर आप करना चाहते हो, आपका टर्मिनल वैसे बेसिकली क्या होता है, ये नीचे की तरफ आता है, बॉटम में आता है, इस तरह से आता है टर्मिनल। अगर आप चाहते हो कि यार इसको राइट साइड में करना है, तो आप यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके टर्मिनल पर और इसको अपने राइट पे मूव कर सकते हो, इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वीडियो इसके पहले जो मैंने 26 वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि यार PIP कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन का जो पैकेज मैनेजर होता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी क्रिएट करेंगे। तो ये उबंटू यूज़र यूज़ करे तो उनके लिए है यहाँ पे। तो उबंटू यूज़र का क्या है यार, बेसिकली sudo apt get install python 3 pip मैंने कमांड बताई थी, तो उसको यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं चला लेता हूँ sudo apt get, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे से पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपने सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है तो बोल देगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और नया वाला वर्जन आपका इंस्टॉल कर देगा अगर कोई नया वर्जन, लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मेरा PIP इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में एक बार बता देता हूँ मैं क्या करता है ये। जो जैसे आपका कंप्यूटर होता है, जब भी आप क्या करते हो अपना पाइथन का कोड रन करते हो, तो आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हो, तो वो आपसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है वो लाइब्रेरी। सपोज आपके पास 3 से 4 पाइथन के प्रोजेक्ट बना रहे हो आप एक साथ, ठीक है। तो हो सकता है किसी में हो सकता है, सपोज एक लाइब्रेरी है NumPy की, NumPy का अगर वर्जन 1.0 आपको किसी एक प्रोजेक्ट में यूज़ करना है और दूसरे प्रोजेक्ट में आपको 2.0 वर्जन यूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर का तो एक ही स्पेस है, उसमें अगर एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको बार बार अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और दूसरे प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो दोबारा इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम लोग। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो अगर जो भी उस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी यूज़ हो रही है तो वो सारी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होती हैं सब। तो ये भी एक तरह का आपका मेमोरी होता है, ठीक है। तो मेमोरी स्पेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, केवल उसी प्रोजेक्ट के आपके पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो चलो यार एक बार वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देखते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, sudo pip3 इंस्टॉल वर्चुअल env, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, जिसका सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में। उसके बाद क्या करना है, एक हमको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने ये फ्लास्क का प्रोजेक्ट खोला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखनी कमांड वर्चुअल env, और उसके बाद अपने इन्वायरमेंट फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे env। आप कुछ भी रख सकते हो, माई env भी रख सकते हो, या फिर कुछ और रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो इसने क्या करा, एक env फोल्डर देखो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। ये env फोल्डर है, इसके अंदर अब आपकी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी। कुछ लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, जैसे कि व्हील हो गया, PIP हो गया, ये सारी लाइब्रेरीज आपके इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप यहाँ पे करोगे PIP3 लिस्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पैकेज की लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो ये पैकेज कौन से वाले पैकेज है जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है ये पैकेज, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक और एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि इसी प्रोजेक्ट के पैकेज इंस्टॉल होंगे, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, मैंने env भी इंस्टॉल कर लिया, मेरा env का फोल्डर क्रिएट हो गया। sudo apt get install, पहले pip को इंस्टॉल करना है, फिर sudo pip3 install virtual environment करना है, उससे virtual environment इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद virtual environment venv किया मैंने, ठीक है, ये वाली कमांड लिखी, तो इससे क्या हो गया, मेरा ये env फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर का यूज़ करता हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड है सोर्स env और उसके बाद venv, सोर्स env bin activate, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, आपका ये env यहाँ पे आने लग गया। तो जो मेरे इन्वायरमेंट फोल्डर का नाम था वो यहाँ पे आ गया, यानी कि मेरा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। फिर से मैं pip3 list चलाऊँगा यहाँ पे, तो देखो इसके अंदर जो भी
लिस्ट होगी पैकेजेस, तो ये मेरे जो सिस्टम के अंदर जो लिस्ट है उसे शो नहीं कर रहा है, केवल ये जो इन्वायरमेंट के अंदर जो लिस्ट है उसे शो कर रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अब इस मेमोरी के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, तो मेरे जो सारे पैकेजेस हैं जितने भी मैं इंस्टॉल करूँगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड होंगे वो सारे इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो दूसरी चीज़, जब भी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो उसको एक्टिवेट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट भी कर लिया इसको, आपको लिस्ट भी दिखा दिया मैंने PIP3 लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डीएक्टिवेट कमांड लिखनी है यहाँ पे, और ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो यहाँ से हट गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ENV, ठीक है। और एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कमांड है मेरी, सोर्स ENV बिन एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे ENV शो करने लग जाएगा आपका, जैसे ही आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा ये। उसके बाद करना क्या है कि आपका एक गिट इग्नोर की फाइल होती है इसके अंदर, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे लाइव पे, तो आपका ये जो फोल्डर होता है बहुत बड़ा फोल्डर बन जाता है जब आप पूरा वेब एप्लीकेशन बना लोगे, तो ये फोल्डर को हम डिप्लॉय नहीं करते हैं, ठीक है। ये फोल्डर ऑटोमेटिकली हम लोग क्रिएट करते हैं अपने लोकल पे। तो अगर इसको जब आप गिट पे पुश करोगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे, तो ये भी प्रोजेक्ट चला जाता है। तो गिट इग्नोर एक फाइल होती है, डॉट गिट इग्नोर, अगर आपके पास नहीं है तो इसको क्रिएट कर लो, ठीक है, गिट इग्नोर की फाइल। और मैं इसको खोलता हूँ, गिट इग्नोर के अंदर मुझे क्या करना है कि मेरे को अपने इस वाले फोल्डर को क्या करना है, गिट पे पुश नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख दो ENV, ठीक है। जैसे ही आप ENV लिखोगे, देखो इसने इसका कलर जो है वो ग्रे कर दिया है, तो ये वाले अब इस वाले फोल्डर को ये पुश नहीं करेगा। जब आप गिट स्टेटस करोगे, यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे, तो ये आपको शो नहीं करेगा यहाँ पे ये वाला फोल्डर। अगर ये वाला मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ENV हटा देता हूँ, तो ये आपको ENV यहाँ पे शो करने लग जाएगा। गिट स्टेटस लिखो आपको, ठीक है, यहाँ पे ENV फोल्डर को शो कर रहा है। हमें इसको गिट में पुश नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है और ये ईजिली क्रिएट हो जाता है। इसके लिए हम requirement.txt फाइल बनाते हैं, उसके थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर देता हूँ अभी यहाँ पे, ये गिट इग्नोर वाली फाइल के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे फिर से मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा तो ये मुझे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखा हमने कि कैसे हम लोग यार इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, नया इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, गिट इग्नोर का यूज़ कैसे करते हैं। तो गिट वाली, अगर गिट आपको नहीं आता तो गिट के मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाए हुए हैं इस वाली वेब सीरीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो गिट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, गिट के साथ कैसे काम करते हैं, कमांड्स कैसे रन करते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और इंटरव्यू देते हो तो आपसे इस टॉपिक के बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो गिट पहले एक बार अपने सिस्टम में सेटअप कर लो तो ईजी हो जाता है गिट के साथ काम करने के लिए। एक रिपोजिटरी होनी चाहिए आपके पास अगर आप कोड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक requirement.txt फाइल बना के देखते हैं कि requirement.txt करती क्या है। तो अब देखते हैं कि यार requirement.txt होती क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, requirement.txt फाइल क्या होती है, यहाँ पे मेरी क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको कि कैसे काम करती है। तो requirement.txt क्या होती है, जितने भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे अपने ENV फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये जो फोल्डर है, जितने भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे पिप के थ्रू, PIP3 इंस्टॉल, NumPy जैसे मैंने करके दिखाया था पुरानी वीडियो में, तो वो इंस्टॉल करोगे तो वो सारे पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके अंदर इतने सारे पैकेज आते हैं कि आपको लिस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। और ये वाला जो फोल्डर है ये गिट पे भी नहीं जाता, अगर आपके कोड को कोई फॉक करता है या फिर आपके कोड को कोई क्लोन करता है तो उसके बाद ये वाला फोल्डर तो जाएगा नहीं। तो उसके पास क्या होता है, requirement.txt फाइल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपने रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सारे किसके अंदर चले जाते हैं, requirement.txt फाइल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जब वो उस फाइल को इंस्टॉल करता है, उस फाइल से पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, तो उसके पास ये क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर सारे पैकेज आ जाते हैं और उसका प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन करता है, जैसे कि आपके सिस्टम में रन कर रहा है। तो चलो यार, सबसे पहले क्या करते हैं, requirement.txt फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया इस फाइल के अंदर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस फाइल का लिंक, तो यहाँ से आप जाके इसकी कमांड्स को चेक कर सकते हो। सबसे पहली कमांड है pip3 फ्रीज requirement.txt। अगर आपके पास txt फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, txt फाइल क्रिएट कर देगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, requirement.txt क्रिएट हो गई है और इसके अंदर अभी कोई भी पैकेज नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट करी है, अभी हमने कोई भी पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, pip3 इंस्टॉल NumPy करता हूँ मैं, NumPy, ठीक है, ये वाला पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ NumPy का। तो इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है NumPy को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे requirement.txt में ये पैकेज आया कि नहीं आया। तो अभी ये पैकेज नहीं आया, तो ये पैकेज कैसे आएगा, फिर से हमको क्या करना है, ये pip3 freeze requirement.txt वाली कमांड चलानी है। ये कमांड दोबारा से मैं चलाता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जितने भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे ये सारे क्या होंगे, requirement.txt फाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे।
तो क्या होगा बेसिकली, जब आप इस प्रोडक्ट को, तो जब इसे गिटअप पे पुश करोगे आप अपने प्रोजेक्ट को, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा, या फिर आप कभी इन फ्यूचर क्लोन करते हो और आपके पास ये सिस्टम नहीं है, आप किसी दूसरे सिस्टम से क्लोन कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगी, आपके पैकेज की लिस्ट होगी इस वाली फाइल के अंदर। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दोबारा से अपने सारे पैकेजेस को गेट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को उसी तरीके से रन कर सकते हो प्रॉपरली जैसे कि अभी आपने रन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो होती है यार रिक्वायरमेंट और txt, किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम पैकेजेस को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपने पैकेज डिलीट कर देता हूँ, मैं एक बार quickly अनइंस्टॉल numpy मैंने इंस्टॉल किया था, numpy को मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, numpy मैंने अनइंस्टॉल कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है यस या नो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येस, अनइंस्टॉल कर दो। तो ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया। अब एक बार दोबारा से देखते हैं हमारे यहाँ से हटा कि नहीं हटा इस वाली फाइल से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से वही कमांड चलानी है, pip3 फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट txt। ठीक है, जैसे ही मैं चलाऊँगा तो ये क्या होगा, इसने ये वाली जो numpy इसके अंदर ऐड किया था उसको हटा दिया, क्योंकि ये अब अनइंस्टॉल हो गया, हमारे env फोल्डर के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसने यहाँ से भी हटा दिया। तो ये फ़ायदा होता है यार रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल का। ठीक है, तो आगे और भी वीडियो जब बनाएंगे तब देखेंगे और कैसे काम करते हैं, इसके अंदर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैं बता रहा था अभी कि डिलीट करते हैं या फिर क्लोन करता है कोई दूसरे सिस्टम से इस वाले प्रोजेक्ट को, तो कैसे इन भी डिलीट करके हम लोग रिक्वायरमेंट txt से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और अगर आपको इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट txt के अंदर कोई पैकेज आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं एक पैकेज दोबारा से numpy को इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। numpy अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, numpy इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप रिक्वायरमेंट और txt के अंदर मैंने numpy का पैकेज रख दिया है, 1.24.0 वर्जन रख दिया है। ठीक है, अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो pip के थ्रू, pip3 इंस्टॉल आपने चलाया हुआ है यहाँ पे, एक इंस्टॉल ये numpy, और आप पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके आगे आप इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, और 1.24.0 इसका वर्जन लिखोगे तो ये उसी वर्जन का numpy इंस्टॉल कर देगा। और अगर आपको वर्जन चेक करने, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि pip की जो pip.org जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके, जो पैकेज मैनेजर, आपको वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर numpy का वर्जन कौन सा है। अभी जो भी पैकेज आप यूज़ कर रहे हो उसका वर्जन कौन सा है लेटेस्ट, तो उसी वर्जन का आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हमने क्या करा था, कमांड लाइन के थ्रू हमने pip3 इंस्टॉल पर्टिकुलर पैकेज का नाम दिया था और वो इंस्टॉल हो गया था हमारे सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि यार अगर कोई पैकेज हम रिक्वायरमेंट और txt फाइल के अंदर रखते हैं इस तरीके से, तो वो इंस्टॉल कैसे होगा। ठीक है, तो वो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, pip3 वो वाली कमांड आपको कौन सी रन करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कमांड। ठीक है, तो आपको चलानी है pip3 install -r requirement.txt, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप, pip3 install -r requirements.txt। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो तो सक्सेसफुली इसने क्या कर दिया, numpy का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको चेक करना है numpy का पैकेज, तो ये lib फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ चुका है numpy का पैकेज, तो इसने numpy के पैकेज को इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड लाइन के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास requirement.txt फाइल है उसके अंदर लिखो और यहाँ पे ये वाली कमांड चलाओ pip3 install -r requirement.txt, तो उसके थ्रू भी क्या करेगा, ये पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और हमारी वेब डेवलपमेंट जैसे कि स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे करते हैं वेबसाइट को, तो बूटस्ट्रैप करेंगे और उसके बाद कोडिंग करेंगे। इसमें फ्लास्क में वेब फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ अभी पाइथन के लिए, तो हमारा बेसिक जितना भी था सारा कवर हो चुका है अभी तक का। ठीक है, अब चीज़ें हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसी बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, उसी बेसिक से हम लोग एक मॉड्यूल्स उठाएंगे, मॉड्यूल के साथ हम लोग काम करेंगे और पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करेंगे, फुल फ्लेज वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे। तो चलो यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो आप लोग।